गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, देयर एजेस विल बी गिवन इन द रेशियो। रेशियो इज 5:7। 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस will be 3:4। अब क्या कहते हैं कि 4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। सबसे पहले क्या करें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन आफ्टर 4 ईयर्स देयर एजेस विल बी, द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 3:4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या हो जाएगा, ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 ईयर्स के बाद 5x प्लस 4 रेशो बनता है, रेशो कर दो 7x प्लस 4 इज इक्वल टू रेशो दे रखा इज इक्वल टू 3/4। और अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अब फिर से वही 4 × 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 × 7x प्लस 4। 5×20x + 16 21x + 12। इसको कन्वर्ट साइड में चेंज करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, -21x = 12 - 16, x = 4। नाउ वी कैन राइट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5 × 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7 × 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। नाउ वी डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑब्टेंड इज 3/2। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, x + 8 डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या करना है, ये क्या कंडीशन देता है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए, दैन डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 1 कम हो जाता है, देन द नंबर ऑब्टेंड इज इक्वल टू 3/2। अब नंबर क्या मिला अपने को 3/2, ये आया x + 17, x + 7 इज इक्वल टू 3/2। फिर से सेम प्रोसेस, ट्रांसफर कर दो इसको, इधर ट्रांसफर किया ये मल्टीप्लाई में, 3 के मल्टीप्लाई में x + 7 चला गया, और अब इसको यहाँ करेंगे, ये क्या आ गया अपने पास 2x + 17 = 34 इज इक्वल टू 3x + 21। अब 3x इधर लेके आएंगे, -3x + 21 एज इट इज 34 को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी। अब ये क्या गया, -x = -13, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13। न्यूमरेटर कितना आ गया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 13, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 13 + 8 = 21। फाइंड द रैशनल नंबर,
rational number is equal to numerator upon denominator, that's 13 upon 21 is a rational number. Okay, now we have completed our chapter number 2. Next video we do next chapter, chapter number 3. Okay.